preview. Preview. मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों, मुडर है गांव में हूं और जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में इस गांव की भी जमीन जा रही है। बहुत सारे गांव के लोग यहां बैठे हुए हैं और यहां ताश भी खेल रहे हैं। तमाम गांव के लोगों के दैनिक क्रियाकलाप हैं, गांव के लोग उन क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। जेवर एयरपोर्ट के जमीन जाने के संबंध में क्या लोगों का कहना है, क्या लोगों की मांग है, क्या कहते हैं गांव के लोग, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। लगातार पूरा वीडियो देखें। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, नगला एक मुढ़रे गांव के रहने वाले जी। तो मुढ़रे गांव की भी जमीन जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में जा रही है। तो क्या गांव के लोग क्या इसमें क्या प्रतिक्रिया क्या है, क्या चाहते हैं? प्रतिक्रिया ये है जी, हमें उस पहले मुआवजे से जी बढ़कर मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, और समय पर एक साथ ही पैसा मिलना चाहिए। एक साथ ही पैसा मिलना चाहिए। जमीन देने के लिए सब लोग तैयार हैं? हाँ, जो जितनी उसमें आ रही है वो देने के लिए इच्छुक में, ऐसी कोई बात नहीं है जी, मगर हमें एक साथ पैसा बढ़ के मिलना चाहिए जी। बाबा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ है जी। दशरथ जी, तो मुड़ रहे जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन जाए तो कैसा आप महसूस करेंगे? महसूस क्या करेंगे जी, वो सब कर रहे हैं, वो हम ही करेंगे जी। जी जी जी, कैसे वो अलग छोड़ेंगे? मतलब गांव के लोग सब जमीन देने के लिए तैयार हैं, आप भी यदि जमीन जाएगी तो देने के लिए तैयार रहेंगे? मैं कहे के लिए पैगाम वो पर रुके जी 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 जी। रहने वाले हैं? हाँ जी, गांव में रहने वाले। क्या नाम है आपका? मेरा बिशंबर सिंह चौहान। बिशंबर सिंह जी, तो आपकी जमीन जा रही है गांव की एयरपोर्ट के लिए? हाँ, जा रही है। गाँव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहते हैं गाँव के? अभी परेशानी है, जमीन जाने थे भी, मकान गाड़ भी जाने। अच्छा अच्छा। जो जो हमारी जगह चली गई या मकान भी चले गए तो हमको एहसास के एयरपोर्ट आग में देंगे। हम फेंक दिए 50 किलोमीटर, तो हमें आप एयरपोर्ट से फायदा क्या है? पचास दूर नहीं फेंकेंगे, पास में ही बढ़िया जगह। कहा दे रही है बढ़िया मकान बना रहे, गिर जाए। हम तो जमीन देने में भी ना हुए और गांव जाने में भी नामर्संदे। हाँ जी भाई, आपका क्या नाम है? हमारा नाम ओमबीरा जी। ओमबीर जी, आपकी जमीन यदि गांव में एयरपोर्ट के लिए जाए तो क्या दिक्कत क्या है, क्या माँ? दिक्कत क्या, अगर ना जाए तो बढ़िया बात है। जाए तो क्या दिक्कत है? जाए तो दिक्कत ही दिक्कत है, जन कहाँ जाए, क्या कहाँ बसेंगे, कहाँ रहेंगे भाई, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ बसेंगे। सरकार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह। करण सिंह जी, नगले मुढ़रे गांव के रहने वाले हैं। तो जेवर एयरपोर्ट में जमीन जा रही है गांव की, तो गांव वालों का नजरिया क्या है, क्या सोचना है, क्या मांग है गांव वालों की? ना, नजरिया सही है, लेकिन जो प्रशासन और जो सरकार का सिस्टम गलत है जी। वैसे तो ये देहात है, लेकिन मुआवजा दे रहे हैं सर्कुलेट का 2 गुना जी जी जी, शहरी बना के है देहात, जबकि देहात का 4 गुना है जी जी, तो 4 गुना हिसाब से देना चाहिए। तो यही थोड़ी सी वो गलत काम कर रही है, गलत काम कर रही है। गांव जब देहात है तो 4 गुना है, गांव का 4 गुना ना सर्किट का, और शहर का 2 गुना। जमीन देने के लिए तो तैयार हैं? हाँ, तैयार ही हैं, लेकिन अगर सही तरीका से ली जाए और उसके वाजिब दाम मिले जी, फैसिलिटी दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो कोई दिक्कत ना हो सके। क्या नाम है भाई साहब आपका? सत्यपाल सिंह। तो जेब मुढ़े गाँव के रहने वाले हैं। हाँ जी। तो जेवर एयरपोर्ट के लिए आपकी जमीन भी जा रही है? हाँ, जा तो रही है। अच्छा अच्छा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, गांव के लोग क्या कहना चाहते हैं? गांव के लोग तो नो कह रहे हैं कि साहब गांव ना उठना चाहिए। नहीं, गांव तो नहीं उठ रहा, जमीन जाएगी तो जमीन तो देने के लिए तैयार हैं आप? ना तैयार भी ना, जमीन पर रंगे कहाँ। नहीं, जमीन के लिए रहने के घर बनाने को सरकार जगह देगी और घर तो यही रहेगा, जमीन तो जाएगी, उसका मुआवजा मिलेगा आपको? मुआवजा तो मिलेगा, पर मुआवजे से फायदा क्या है, कांगे क्या, और मुआवजे तो नहीं, पैसा मोड़ जाएगा।
तो क्या मुआवजा कैसे चाहिए आपको, किस कीमत पर आप जमीन दे सकते हैं अपनी? देखो जी, हमें तो सली ना यह बात, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, यह बात तो पढ़े लिखे आदमी जाने। सब नाम क्या है आपका? जवाहर। तो मुडरे गांव है आपका? हाँ। तो एयरपोर्ट में आपकी भी जमीन जा रही है क्या? जा रही है। तो क्या कैसे गांव के लोगों का कहना क्या है, क्या कोई विशेष बात है, कैसी प्रतिक्रिया है गांव के लोगों में? कोई प्रक्रिया रहा, गांव तो राजी है। गांव राजी है जमीन देने के लिए? हाँ। अच्छा, फाइल लगाने के लिए तैयार है सब? हाँ, फाइल लग भी गई लिखे जी। कोई जो मुआवजा पहले मिल रहा है उसी पर देने के लिए जमीन तैयार है ना? वो यूँ कह रहे हैं कि जो रोही में मिला है वहाँ को 10% बढ़ के मिला। अच्छा। हाँ, किन किन ने फाइल लगाई है? फाइल तो जिनकी जमीन आ रही सब ने लगाई। अच्छा, कितने लोगों की जमीन जा रही है आपके गांव के लोगों की? जमीन जा रही है कोई कम से कम 100 आदमी तो होंगे। 100 आदमी होंगे। और ये बैठे इनकी भी जा रही है क्या? इनकी भी जा रही है। क्या आपका? ओमवीर। ओमवीर जी, तो आपकी जमीन भी जा रही है? जा रही है। कितनी जमीन जा रही है आपकी? हमारी तो ऐसा 1.5-2 बीघे से। अच्छा, तो फाइल लगा दी आपने? नहीं लगाई अभी, फार्म भर दी हो। फार्म भर दिया। तो क्या मुआवजा मिल रहा है आपको? मुआवजे की तो पता चले जी, अब 12% बढ़ के बता रहे हैं। बढ़ के बता रहे हैं। तमाम लोग जो है जमीन देने के लिए तैयार हैं? हाँ, जो जा रही है ना, या साइड की जा रही है, नाले की पार पार की जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरी जमीन ना जा रही। तो गांव के लोगों में कोई विरोध नहीं है जमीन देने का? जिनकी जा रही है उनके तो विरोध है ही ना। अच्छा। जो ना जा रही उनके तो भी कोई है ही ना। गगन, गगन जी पढ़ते हो? गगन क्या काम करते हो? जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? तो ये मुडरा गांव है आपका? हाँ जी। तो आपकी जमीन भी जेवर एयरपोर्ट के लिए जा रही है? जा रही है। तो कैसा फील कर रहे हैं गांव के लोग, क्या कहना है गांव के लोगों का? गांव के लोगों को कहना है कि चली जा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गजनी चली जाए, मुआवजा सही मिलना चाहिए। मुआवजा सही मिलना चाहिए। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? मेरा सतीश चंद। सतीश चंद नाम है आपका। तो गांव मुड़ रहे, तो आपकी जमीन जा रही है जेवर एयरपोर्ट के लिए? कितनी जमीन जा रही है, कितने भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या प्रतिक्रिया है जमीन की? फाइल लगा दी आपने? नहीं लगाई? अब नहीं लगाई। जमीन तो दे ही रहे हैं आप जेवर एयरपोर्ट के लिए, कोई विरोध किसी तरह की, कोई मांग? कोई विरोध नहीं, खुल्लम खुला जमीन दे रहे हैं। अच्छा, और क्या चाहते हैं आप प्रशासनिक अधिकारियों से, किस तरह से आप जो है? जैसे प्रशासन अधिकारी पीछे रोही देते आए हैं, कई गांव दिए। जी जी जी, ऐसे ही दे दें हमें। अच्छा अच्छा, जो रोही में मुआवजा मिला है उस मुआवजे पर आप अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं? वो महंगाई भत्ता बता रहे, थोड़ा बढ़ेगा तो वह बढ़ा के दे दें। बढ़ा के दे दें, बस और क्या। तो दोस्तों, आपका सुना समझा, ये मुडरे गाँव के लोग हैं और मुडरे गाँव के लोग अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए। गांव के लोगों का कहना है कि जैसे रोही या पहले नगला गणेशी और जो गांव में पहले चरण के लिए जमीन ली गई है उस दर पर ये देने को तैयार हैं। जो महंगाई भत्ता जितना भी 10 या 12% बढ़ा करके प्रशासन देगा उस पर ये जमीन देने के लिए तैयार हैं।